हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? गुड मॉर्निंग। और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। सो आज जो है मैं रेडी हो रही हूँ। किस लिए रेडी हो रही हूँ, चलिए वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और ये मैंने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई है। ये कुर्ती मैंने अभी कुछ दिन पहले भी एक जगह पहना था फंक्शन में छोटे से। उस समय ठंडी थी, स्वेटर पहना था तो अच्छे से लुक भी नहीं समझ में आता। और मेरा मेकअप लुक कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो बिल्कुल छोटा सा हल्के से शॉर्ट में आप लोगों से शेयर किया है। और बस सियान आ रही थी तो ये परेशान है, बाथरूम नहीं मिल रहा था उसका, तो मैं उनको बता रही थी कि वहाँ रखा। पर बच्चों का तो आप जानते हैं ना, बस यहाँ वहाँ कपड़े रख देना है। और बस अब से मेरा डेली रूटीन बहुत ही अब अलग होने वाला है, बिकॉज़ बच्चों का स्कूल भी खुल गया है। और ये मैं ईयरिंग्स पहन रही हूँ, मुझे जो सामने समझ में आया, क्योंकि सारी मेरी ज्वेलरी आर्टिफिशियल जो है, जितनी भी सब यहाँ वहाँ अलग अलग इस तरह से रखी है। तो मैंने जो मंगलसूत्र पहना उसकी मैचिंग की, बहुत अच्छी ईयरिंग्स है, बट करवा चौथ के समय पर ही मैंने शायद यहाँ वहाँ रख दिया तो मुझे नहीं मिला था। एंड ये वाली हेयर स्टाइल किया ना मैंने, मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोग कैसी लगी मुझसे शेयर करिएगा, बताइएगा ज़रूर। सो इस तरह से चाहे ना आप, तो कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा लोग हैं जो खुले बाल, उन्हें बहुत ज़्यादा खुले हेयर पसंद है, तो इस तरह से क्लैश करके, इस तरह से मैंने क्लैश में पीछे लगाया चाहे तो आप क्लिप भी लगा सकते हैं, तो खुले भी रख सकते हैं। खुली हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा ही मुझे अच्छी लग रही थी। और मैंने बस सिंदूर लगा लिया। सो बस मैं रेडी हो गई हूँ, कैसी लग रही हूँ बताइएगा ज़रूर। सो बस इस तरह से जो है मैं जुड़ा कर लूँगी, बस हो गई मेरी हेयर स्टाइल कम्प्लीट। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। सो आज मैं इतनी रेडी क्यों हुई हूँ वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। ठीक है, क्या हुआ आयान, रो रहे हैं क्या? तो मैं रेडी हो चुकी हूँ फिलहाल। आज है पार्टी, मुझे संस्कार आयान का करवाया था मैंने, आप लोगों से वीडियो भी शेयर किया था। तो आज बाबू का होने वाला है, क्योंकि उसका स्कूल एडमिशन हो चुका है, काफ़ी जल्दी वो स्कूल जा रही है, काफ़ी समझदार भी है। और ये हो रहा है कि जो किड्स क्लासेस होती हैं बच्चों के लिए, जो सीखेंगे उसमें कुछ पढ़ेंगे, अब वो उसको बहुत शौक़ भी है पढ़ने का, कॉपी पेन दे दो बस लिखना शुरू कर देती है। तो ये हो रहा है उसका एडमिशन हो गया, तो वो स्कूल जाने वाली है, एडमिशन भी हो चुका है। तो ये हुआ कि उसका पार्टी भी सस्ता, मेरा सब बच्चों का हुआ है, तो इसलिए सोचा कि बाबू को भी जल्दी से करवा दिया जाए। और नवरात्र चल रही है तो बहुत ही अच्छा शुभ दिन भी है, तो इसलिए अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पार्टी पूजा संस्कार होगा, तो चलिए मैं वो आप लोगों से बता देती हूँ। तो हो गया, मेरे जैसे जुकाम में दिक्कत होती ना उस टाइप का, तो बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया। तो चलिए मिलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं। और ये आ गई थी मैं मंदिर में, और बाबू को आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खुश है वो, उसको इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है मतलब। और खीर वगैरह लेकर आई थी मेरी सिस्टर, और लड्डू वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, मतलब ना हम लोग हर बार अलग तरीके से करते थे पंडित जी को बुलाना, मतलब घर में कथा करवाते थे, उसी में पार्टी पूजा संस्कार भी हो जाता था। तो हम लोगों ने हर चीज़ बच्चों की जो है ना, हम दोनों सिस्टरों ने अपने बच्चों की बहुत ही अच्छी सारी रस्में करी है, पसनी छठी, मतलब हर चीज़ करी, क्योंकि छठी तो वैसे ज़्यादातर लोग क्या होती पर पसनी नहीं होती। तो हम लोगों ने मिलकर ही सब कुछ जो है ना, हमेशा से बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट हम लोगों ने हर चीज़ किया है। और बाबू को आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खुश है। तो बाबू से ज़्यादा कुछ नहीं, बस खीर चढ़वाया जा रहा है और उसको तिलक वगैरह किया जाएगा। हम यहाँ मम्मी से हम लोग कहते हैं कि मतलब यहाँ पे ना बुक जो रजिस्टर में जिसमें बच्चे लिखते हैं ना, उसमें सिंदूर वगैरह जो है, आप सिंदूर, चावल, हल्दी इस तरह से जो है ना लगा लें। तो और इसमें जो है बहुत ज़्यादा कोई विधि आपको नहीं करनी रहती है, वैसे तो करने को बहुत लोग कुछ अलग भी कर देते हैं, पर इसमें कोई वैसी चीज़ नहीं है करने के लिए, बिल्कुल सिंपल सा है ये। और फिर बच्चे से लिखवाया जाता है। तो बाबू तो भी बहुत ज़्यादा छोटी है, क्योंकि आयान थोड़ा बड़ा था काफ़ी, तब उसका पार्टी पूजा संस्कार हुआ था, बट बाबू जल्दी स्कूल जा रही है, काफ़ी जल्दी जा रही है। अभी बाबू 2 ईयर्स की भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो अभी वो इतना लिख नहीं पाएगी, तो हाथ पकड़ के उससे जो लिखवाया जाएगा, वो माता रानी के दर्शन भी कर रही है। और भाई मेरा यहाँ पर खड़ा है, सब लोग हैं मंदिर में, और ऑलरेडी सत्संग वगैरह हो रहा था, तो यहाँ मम्मी सिंदूर वगैरह जो है लगाया जा रहा है, और अभी बाबू को टीका वगैरह होगा। तो सिंपल सी रस्म है, और आप लोग इंजॉय करिए, बताइएगा ज़रूर आप लोगों को ये मेरा बाबू का पार्टी पूजन संस्कार कैसा लगा। तो अगर आप घर में करना चाहते हैं, नहीं पंडित जी या कथा करवाना चाहते हैं, वैसे हम लोग ऐसी नॉर्मल कथा करवाते हैं तो करवा लेते हैं, बट अगर आप ये सब नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि यार किसी को टाइम नहीं है, किसी का बच्चा छोटा है, नहीं हो पाता है, इस तरह से आप घर में जो है ना कर सकते हैं पार्टी पूजन संस्कार। तो इस पर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों से ऑलरेडी तो शेयर कर ही दिया है। तो इस तरह से आप मंदिर में नहीं तो आप अपने घर में भी, इस तरह से आपकी पूजा मंदिर है घर में, तो आप वहाँ पर भी जो है ना इस तरह से कर सकते हैं।
जैसे रजिस्टर और पेन लेके जो है भगवान जी को वो किया जाता है, ताकि बच्चे आपके बहुत अच्छे पढ़े, खूब आगे बढ़े, उन्हें खूब विद्या मिले, समझदार मिले, सबका मान सम्मान करें। इससे ज़्यादा एक पेरेंट्स को और क्या चाहिए कि उनके बच्चे हर चीज़ जो है ना उनके मुताबिक ही चले, उनका कहना माने। और भाई मेरा इस तरह से बाबू को लिखवा रहा हाथ पकड़ के, तो वो इतनी बदमाशी कर रही थी, वो ना पकड़वा ही नहीं रही थी हाथ में, तो इस तरह से लिखवावट देख रहे हैं आप किस तरह की हो रही है, तो वो बिल्कुल ना पकड़ नहीं रही थी हाथ में और बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी। पर किसी तरह से आप अपने बच्चों को इस तरह से लिखवा दें तो ये क्या है ना, एक शुभ होता है, एक मतलब कि हाँ बच्चे ने कुछ लिखा है। उसके मैंने कॉपी में भी और भी चीज़ें लिखी थी, तो वो आप लोगों को आगे जो है ना देखने को मिलेगा। और उसको इतनी ज़्यादा मतलब जल्दी है कि मतलब उसको बस पेन दे दो, कॉपी दे दो, बस उसका लिखना शुरू हो जाता है। वो घंटों इसे खेलती रहती है और कोई टॉयज़ घर में नहीं लेती। और ये देखिए बताशे भी खा रही थी और लिखते भी जा रही थी। और यहाँ मेरी बेटी शुरू कर रही है, तो मैं लिख रही थी मंत्र। ये मंत्र है जो मैं बहुत पहले जो मैं छोटे में स्कूल जाती थी, तो ये वाले मंत्र पंडित जी ने बताया था। ये मंत्र का बहुत मान्यता है, अगर आप अपने बच्चों को बता दें तो बहुत ही अच्छी बात है। राम नामे की रामे रामे नमो रामे साहस नाम तक उल्यम राम नाम रमाने। और अभी तक मुझे ये मंत्र याद है मुझे ये मंत्र। और अपने मतलब मैं अपने जब मैं स्कूल जाती थी ना, तो हर कॉपी में हर रजिस्टर में स्टार्टिंग में ये मंत्र जरूर लिखा होता था। मतलब इस पर ये होता है ना, एक श्रद्धा होती है आपकी कि अगर आप इस चीज़ को मानते हैं तो ज़रूर आप करिए अपने बच्चे की कॉपी में। और ये देखिए बाबू किस तरह से मस्ती कर रही है। तो मुझे ये मंत्र अभी तक याद था, तो मुझे ने सोचा क्यों ना अगर हम ही लोग करवा रहे हैं तो ये मंत्र, क्योंकि जब आयान का हुआ था ना तो पंडित जी ने इस तरह से मंत्र लिखा हुआ था कॉपी में, इसकी इतनी मान्यता। यहाँ पर मेरी सिस्टर जो है माता रानी को जो है ना चुनरी पहना रही थी, तो उनको ऊपर मंदिर में चढ़ना पड़ता है, तो इस तरह से वो चुनरी पहना रही हैं। और बस माता रानी की जो है ना नवरात्र में चुनरी वगैरह हर चीज़ जो है ना चेंज होती रहती है, साड़ियाँ वगैरह, मतलब हर दिन तो साड़ी नहीं चेंज होती रहती क्योंकि ना काफ़ी बड़ी है माता रानी, तो बहुत टाइम लगता है, इसमें बहुत टाइम जाता है। तो नवरात्रि भर वो एक साड़ी पहने रहेंगी और बाकी चुनरी जिसको भी श्रद्धा है अपनी, जितनी चुनरी चाहे चढ़ा दे उनको, पहना दे या साड़ी पहना दे उनको, अपने मतलब मन से चढ़ा सकते हैं, तो इस तरह से वो कर सकते हैं। और इस तरह से देख सकते हैं बस हम लोगों की बहुत ज़्यादा देर की पूजा नहीं थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये सब आंटी लोग आई हुई थी और सत्संग हो रहा था और अभी भजन भी होगा, तो नवरात्र में ऑलरेडी वैसे भी भजन होते ही है मंदिरों में, तो उनको सबको लड्डू बंटवाया जा रहा था बाबू के पाठी पूजा संस्कार के लिए। बहुत सारे लड्डू हम लोगों ने पहले से ही मैं लेकर आ गई थी, सुबह ही एक दिन पहले ही ऑर्डर दे दिया गया था। तो लड्डू मेरे बेटे को इतने ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो आप लोगों को किसी किसी लड्डू बहुत पसंद है वो मुझसे बताइएगा ज़रूर। तो बाबू को देख सकते हैं, यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया था कैमरे में मेरे एकदम रुक रुक के जो है शूटिंग हुई थी, शूट हो रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा क्या हुआ कि मुझे लगा कि ऐसे ही हो रहा है। फिर जब मैंने रिकॉर्डिंग देखी ना तो मुझे बहुत बुरा लगा कि रिकॉर्डिंग में भी जो है ना वैसे ही हो रहा था, रिकॉर्डिंग में उसी तरह से जो है ना ऐसे ही हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा फास्ट फोर्डिंग लगा दिया था बिकॉज़ यहाँ पे बहुत रुक रुक के चल रहा था, तो इसी वजह से मैंने इस तरह से लगा दिया था। और ये मंत्र आप देख लीजिए और यहाँ पे हो रहे हैं भजन। और यहाँ बाबू की मस्ती तो आप ऑलरेडी देख ही रहे ना, बहुत क्यूट लग रही थी आज। और बाबू के लिए एक लाइक तो बनता ही है, सो बाबू के लिए आप एक लाइक ज़रूर करिए। सो फाइनली जो है ये रस्म हो गई है और किस तरह से हम लोगों ने किया है वो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आए। को मिला छोना, हाय बोल दो छप्पू, किच्छी दे दो छप्पू। ओह मिला बाबू के लिए एक लाइक जरूर दीजिएगा और ढेर सारे लाइक को। तो पता है मैं इतना थक गई थी, आई हूँ दोपहर में, फिर मैं सो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज मैं ना सुबह 6 बजे से जग रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा वह होता है। तो बस अभी जा रही थी चाय बनाने के लिए, अदरक नहीं थी ना, बिना अदरक के मुझे चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो किसी किसी अदरक की चाय पसंद है वो मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं बिना अदरक की चाय नहीं बिल्कुल नहीं पसंद है। कुछ लोग तो चाय नहीं पीते हैं, मेरे कुछ सब्सक्राइबर है कमेंट करते हैं कि वो चाय नहीं, उनको कॉफ़ी पसंद है। तो कॉफ़ी आना मुझे बहुत ही कम है, कभी कभार बहुत कम जो मन कर जाए तो पी लूँ, मैं तो चाय के बिना नहीं रह सकती। और किचन में आ गई हूँ, तो किचन में आने के बाद जो है मैंने सोचा चाय बना लूँ। और अदरक की चाय ना बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, तो दूध देख रही थी पता नहीं है कि नहीं फ्रिज में, क्योंकि आज दूध नहीं आया था अभी, तो इसी वजह से थोड़ा सा दूध था, तो मैंने उसकी मलाई हटा के जो है ना इस तरह से चाय बना रही थी। और मैंने आज कपड़े नहीं चेंज किए थे, वही पहने थे, मैंने कहा रात में चेंज कर लूँगी,
क्योंकि आज मुझे ना मैंने सोचा था दो तीन वीडियो शूट करना था, पर मैं एक भी नहीं कर पाई। इतना सर में दिक्कत हो रही थी, दर्द हो रहा था, और बस चाय वगैरह रख रही थी। और आज कई वीडियो सोचा था मैं शूट करूँगी। ये वे का अनाउंसमेंट मुझे कुछ करना है, उसमें पूरा डिटेल्स वीडियो बनाना था, बट मैं कुछ कर नहीं पाई हूँ। पर आएगा वीडियो जल्दी मैं सोच रही हूँ, पर मुझे भी इस समय बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा, जगह नहीं मिल पा रही है वीडियो के लिए खासकर। सही बताओ, प्रॉब्लम यही हो जाती है मेरे लिए। और चाय इस तरह की देख रहे हैं आप, कलर चाय का, OMG मुझे चाय इतनी पसंद है, बहुत ज़्यादा ही चाय पसंद है। और बस इस तरह से जो है मैं ये कर लूँगी, इसमें छान लिया मैंने चाय। तो अब इस समय ना गर्मी हो गई ना, तो हम लोग मैं खासकर थोड़ी थोड़ी सी चाय पीने लगे हैं हम लोग। थोड़ी सी चाय कम कर दी है पीना, मतलब पीते हैं पर थोड़ी थोड़ी चाय पिया जाता है इस समय गर्मी है। और कभी कभी होता है हम अवॉइड कर देते हैं, अभी जैसे ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी जब पड़ेगी ना, तो खासकर मॉर्निंग की चाय हम लोग अवॉइड कर देते हैं। और फिर कुछ दोबारे से अभी कुछ दिन, अब आज अब बच्चे जाने लगे हैं स्कूल, तो फ्रूट्स वगैरह कुछ ना कुछ लाएंगे, तो फिर वही हम लोग सुबह हमारा नाश्ता हो जाता है उसमें। को चाय चाहिए, दोनों चाय मांग रहे हैं, तो मैंने कहा अभी चाय नहीं दूंगी मैं किसी को भी, बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीना, सर में दर्द भी शुरू हो गया मेरा। तो ये तो आ गए, तो मैंने कहा चलो चाय बना देती हूँ। और ये ले जा रही पूरी, तो मैंने आज हम लोगों ने दोनों ने खाना नहीं खाया है, समझ लीजिए आज सुबह खाना ही नहीं खाया, नाश्ता किया था, भूख नहीं लगी, चले गए थे। क्या चाय नहीं मिलेगी, देखिए कितना दुष्ट है, चाय मांग रहा है, प्यार देख लो मम्मा पे कितना आ रहा है। और बस मैं चाय पी रही हूँ, इनको मैंने कचौड़ी वगैरह दे दिया था, आज हम लोगों ने बताया था आप लोगों को हम खाना नहीं खाया है, तो अब शाम का इस टाइम है ना, मैं इस टाइम खाना नहीं खाती हूँ और रात में ही खाना होता है। तो आई होप ये छोटा सा व्लॉग आज का आप लोगों को पसंद आएगा, तो बताइएगा ज़रूर आपके यहाँ जो है पाठ्यपुत्र संस्कार होता है कि नहीं होता है, तो कमेंट करिए और मुझे बताइएगा ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं न्यू कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।